हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल प्रियंका सास एंड अगेन। सो हमारा ऑलमोस्ट प्रिपरेशन हो चुका है और मतलब हमेशा की तरह कहीं पे जाने से पहले मेरी तबीयत हो गया है ख़राब। मुझे बहुत तेज का सर्दी जुकाम हो चुका है कल से, और मतलब नाक बंद है, सर में दर्द है, गले में दर्द है। पता नहीं इस ठंड में मैं कैसे जर्नी करूँगी, और वो भी रात को। तो अभी हमारा मतलब पैकिंग फाइनली ख़त्म करना ही होता है, लेकिन क्योंकि आज शाम को ही जाना है, मतलब रात के 9:30 बजे, मतलब 10 बजे ट्रेन है। तो यहाँ पे एक ये अभी तक बंद नहीं हुआ इसीलिए, क्योंकि मेरा कुछ नया साड़ी घर से आने वाला है, मतलब मैं मम्मी के पास देती हूँ सिलवाने के लिए, मतलब जो भी ब्लाउज वगैरह होता है। मेरे मम्मी बहुत अच्छे बनाते हैं और मेरा फिटिंग्स एकदम मस्त होता है, इसीलिए घर में भेज देती हूँ हमेशा। कोई भी नया साड़ी हो तो अच्छा, मतलब कोई भी साड़ी मैं भेज देती हूँ। तो वो भाई लेके आने वाला है, तो वो आने के बाद ये बंद होगा। फिर यहाँ पर सब मतलब नीचे है, ये रेडी है, ये भी रेडी है, मैं आपको दिखाऊंगी बैक कैमरे से। और अभी और एक टेंशन हो चुका है, क्या हुआ है वो मैं दिखा रही हूँ आपको। तो यहाँ पे ये एक है, तो सब फूल है। मेरा घर का हालत बहुत ही ख़राब हो गया है, और अभी सबसे ज़्यादा टेंशन की बात जो है वो है ये सारी चीज़ ड्रेस वगैरह सब मेरा ये लगेज में था, जो कि मुझे खाली करना पड़ा क्योंकि हमें लेके जाना है। और वो अभी कहाँ रखना है वो मुझे नहीं पता है, क्योंकि मेरा जो मतलब यहाँ पे जो अलमारी है वो बिल्कुल भी फुल है, वहाँ पे थोड़ा सा भी जगह नहीं है। और ये सब कहाँ रखूँगी ये नहीं पता, कैसे रखूँगी, क्योंकि घर बंद रहेगा तो मतलब रिस्क भी होता है। तो आज मेरा बहुत सारे काम है, मतलब मैं क्या करूँ कैसे करूँ कुछ भी नहीं पता है। कल मैं जाके मेरा हेयर कट करके आई थी, तो कैसा लगा मेरा न्यू हेयर कट आप लोग ज़रूर बताना। और आज भी मुझे पार्लर जाना है, थोड़ा कुछ काम है पार्लर में। तो पार्लर से आने के बाद मुझे मेहंदी लगाना है, तो एक छोटी सी बहन है जो आएगी घर पर मेहंदी लगा देने के लिए। तो कब तक मेहंदी लगा पाऊँगी ये नहीं पता, क्योंकि पार्लर में तो मेहंदी लगाना है, क्योंकि वो मेहंदी को सूखने के बाद मुझे फिर रेडी होकर शाम को जाना भी है, इसलिए थोड़ा टेंशन में हूँ कब तक कैसे क्या ख़त्म करूँगी। अभी फ़िलहाल मैं खाना बना रही हूँ, तो मैं सुबह का और शाम का दोनों का खाना एक साथ बना दे रही हूँ, क्योंकि मैं मेहंदी लगाने के बाद और तो कुछ नहीं कर पाऊँगी इसीलिए। सो ऑलमोस्ट मेरा मतलब खाना बन चुका है। अभी जब मतलब हस्बैंड जी काम के लिए निकल जाएंगे, फिर मैं भी निकल जाऊंगी पार्लर के लिए, फिर देखते हैं आज और क्या क्या करते हैं। और अभी बहुत टेंशन में हूँ, मतलब इतना सर्दी जुकाम है, सर दर्द हो रहा है, नाक बंद है बिल्कुल भी, कल रात भर सो नहीं पाई। अभी ट्रेन में जर्नी करना है, कैसा ठंड है, ओ गॉड, यहाँ पे तो बहुत ठंड है, मतलब ठंडी ठंडी हवा मेरा विंडो से आ रहा है, मतलब ऐसे लग रहा है मैं कुछ बीच साइड में हूँ। आप लोग देख ही रहे होंगे मेरा फ़ैन एक्चुअली बंद है, ये जो फिल्मी स्टाइल में मेरा मतलब ये हेयर ऐसे फ्लो हो रहा है ना, ये बिल्कुल नेचुरल हवा के वजह से हो रहा है, जो कि मेरे विंडो से आ रहा है, और मुझे लग रहा है मैं बीच साइड में हूँ किसी होटल में। सो चलिए देखते हैं कैसे कहाँ तक मैं मेरा काम ख़त्म कर लेती हूँ। और मेरा आँख भी आपको दिख रहा होगा कैसे मतलब टमाटर जैसे गोल गोल हो चुका है, और मतलब सर्दी के ऐसे तो मेरा मुंह बिना वजह मतलब ऐसा आलू होकर रहता है, और अभी सर्दी के वजह से बिल्कुल गोल हो चुका है। तो बहुत टेंशन में हूँ क्या करूँगी क्या नहीं, कैसे ये मतलब सब कुछ सही में हो जाएगा। सो ठीक है, चलते हैं देखते हैं क्या क्या करती हूँ मैं दिन भर, और कैसे निकलते हैं कैसे पहुँचते हैं, और कैसा ठंड है बाहर क्या है, सब आप लोग के साथ शेयर करूँगी। तो चलिए पहले काम कर लेते हैं। ये देखो भाई कितनी तेज की हवा हो रही है, मानो मतलब बिल्कुल बीच साइड में ही है हम, और ओ गॉड मतलब तबीयत का हाल है बेहाल, और यहाँ बाहर का वेदर मतलब ओ गॉड। सो मैं आ गई हूँ पार्लर की, सारी जो भी काम था ख़त्म करके। मुझे मेहंदी लगाना था, जो कि मैंने हाफ लगाई है, फूल नहीं लगा पाई क्योंकि टाइम नहीं हुआ, सब कुछ बहुत लेट लेट हो गया।
अभी बज चुके हैं 5:30, अराउंड 5:30 हो चुका है, और मेरा बेड के ऊपर अभी भी मतलब गंदगी मची हुई है। अभी भी लगेज पैक भी नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ, और हम निकलेंगे 8 साढ़े 8 बजे। पता नहीं कैसे क्या ख़त्म करेंगे, कब तक ख़त्म करूँगी। अभी तो मैं वेट किए हूँ फिलहाल इसे सूख जाने के लिए, क्योंकि ये सूख जाने के बाद इसे मैं उतार मतलब निकाल कर फिर जो काम है वो करूँगी, और ख़ुद को भी रेडी होना है। और तबीयत का मतलब बिल्कुल 12:30 बज के है, कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा है। सर में दर्द है, नाक बंद है, मतलब अभी तक ठीक नहीं हुआ, और पता नहीं कैसे ये जर्नी होगा कंप्लीट। सो फाइनली हम लोग आगे पहुंच गए हैं स्टेशन में, ये सारा हमारा लगेज है, और हम वेट किए हैं ट्रेन के लिए। और एंड मोमेंट में प्लेटफॉर्म चेंज हो गया था, तो मम्मी को लेकर मतलब एक प्लेटफॉर्म से दूसरा प्लेटफॉर्म, वो भी इतने सारे लगेज के साथ प्लेटफॉर्म जाना बहुत ही मुश्किल हो गया था। लेकिन कोई नहीं, हम लोग अच्छे से ट्रेन पकड़ लिए और बैठ भी गए। अभी हम प्रिपरेशन कर रहे हैं सोने के लिए, और मतलब बहुत ही अच्छा था वो, मतलब ट्रेन बिल्कुल साफ़ सुथरे और स्पेस भी बहुत ही अच्छा था। तो चलो चलते हैं, गुड नाइट, टाटा बाय बाय, फिर मिलेंगे कोलकाता के ब्लॉग में नेक्स्ट मॉर्निंग। तब तक के लिए टाटा बाय बाय।